हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी प्लस ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। और इस वीडियो में आपको बी ट्री और बी प्लस ट्री के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग जाएंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में कि बी ट्री कैसे काम करता है, होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और बी प्लस ट्री कैसे काम करता है, होता क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस जो है वो ऑलरेडी लिख दी हैं। जैसे पहला डिफरेंस है, डेटा इज स्टोर्ड इन द लीफ एज वेल एज इन द इंटरनल नोड, एंड इन द बी प्लस ट्री डेटा इज स्टोर्ड ओनली इन द लीफ नोड। लेकिन मैं अभी यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपको बी और बी प्लस ट्री के स्ट्रक्चर का पता लग गया ना, तो आपको सारे जो डिफरेंसेस हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप चार नहीं, आप इसके ऊपर 8-10 डिफरेंसेस जो है वो इजीली लिख सकते हो। तो इसीलिए क्रैम नहीं करना इन डिफरेंसेस को, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे तो फिर आप 4 नहीं 8-10 डिफरेंसेस इजीली लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें बी और बी प्लस ट्री को हम यूज क्यों करते हैं, इंडेक्स रिकॉर्ड को पुट करने के लिए। मतलब ये एक्चुअल में कंटेन करके क्या बैठे हैं, इंडेक्स रिकॉर्ड। अब इंडेक्स रिकॉर्ड में हमारे पास होता क्या है, दो चीजें होती हैं, की पॉइंट एंड डेटा पॉइंटर। मतलब एक की है और एक डेटा पॉइंटर है। की मतलब जिसके बेसिस पे हम सर्च कर रहे हैं, और डेटा पॉइंटर मतलब की से रिलेटेड जो डेटा है वो एक्चुअल में कहां पड़ा है। जैसे बुक के अंदर अगर हम बात करें, बुक के स्टार्टिंग में क्या होता है, इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक तो जो ब्रॉड टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, और उसका पेज नंबर। अगर आपने उस टॉपिक के अंदर क्या है वो सर्च करना है, तो आपको उस पेज पे जाना पड़ेगा, तब जाके उसको डेटा मिलेगा। तो यहां पे डेटा में मेरे पास दो ही चीजें हैं, की एंड डेटा पॉइंटर। यहां पे कोई एक्चुअल में ऐसा कोई पूरा डेटाबेस नहीं, यहां पे सिर्फ दो ही चीजें होती हैं इंडेक्स रिकॉर्ड में, की एंड डेटा पॉइंटर। तो देखो, अब हम बात करते हैं यहां पे बी एंड बी प्लस ट्री के स्ट्रक्चर की। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बी प्लस ट्री, बी ट्री का स्ट्रक्चर। तो यहां पे अगर हम बात करें ट्री में, जनरली हमारे पास ट्री जो है वो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। मतलब हमारे पास नोड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स या वर्टेक्स, और इसको जो है कनेक्ट करके रखती हैं एजेस। ये होता है हमारा रूट, ये होता है इंटरनल नोड्स, और ये होती है हमारी लीफ नोड्स। तो लीफ नोड्स और नॉन लीफ नोड्स आप कह सकते हो, लाइक नॉन लीफ नोड्स में आपके पास इंटरनल एंड रूट जो है वो दोनों आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं बी प्लस ट्री की, सॉरी पहले समझते हैं बी ट्री के स्ट्रक्चर। तो देखो, बी ट्री के स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें बी ट्री के हरेक नोड की स्ट्रक्चर, चाहे वो लीफ है, चाहे वो इंटरनल नोड है, चाहे वो रूट है, यहां पे स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहती है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बी ट्री के अंदर जो नोड है, नोड की स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे रूट लेवल की बात करो, चाहे इंटरनल की, चाहे लीफ नोड की। तो ये स्ट्रक्चर में हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है ब्लॉक पॉइंटर, फिर हमारे पास क्या होता है, की एंड डेटा पॉइंटर, फिर हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर, फिर की एंड डेटा पॉइंटर, फिर हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर, फिर की डेटा पॉइंटर। इस तरीके से हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर होती है। और ये जो ब्लॉक पॉइंटर है, या जिसको हम ट्री पॉइंटर भी बोल देते हैं, ब्लॉक पॉइंटर या ट्री पॉइंटर क्या करता है, जो नीचे वाली जो नोड्स हैं उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस को क्या करता है, ये एक तरह से पॉइंट करता है, कौन, ब्लॉक पॉइंटर, या जिसको हम बोल सकते हैं ट्री पॉइंटर। अगर हम बात करें यहां पे की और डेटा पॉइंटर, तो की मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसके बेसिस पे आप सर्च कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज को, दैट इज योर की वैल्यू। और डेटा पॉइंटर मतलब ये पॉइंट किसको करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में जहां पे आपका ओरिजिनल डेटा, पूरा का पूरा डेटा पड़ा है, ये आपको पॉइंट कर रहा है उस जगह पे। तो अगर हम बात करें रूट की, अगर हम बात करें इंटरनल की, अगर हम बात करें लीफ की, तो हर एक लेवल पे आपकी नोड का स्ट्रक्चर बी ट्री में सेम रहेगा। तो आप कह सकते हो कि ब्लॉक पॉइंटर्स हैं, की है डेटा पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, की डेटा पॉइंटर, और फाइनली लास्ट में हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक पॉइंटर। और यहां पे अगर हम बात करें, देखो ब्लॉक पॉइंटर्स जो है वो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे चिल्ड्रंस को, मतलब जो नीचे हमारे पास चिल्ड्रन है। अगर हम बात करें यहां पे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम लीफ नोड की बात करें, तो लीफ नोड में तो कोई चिल्ड्रन होते ही नहीं, जैसे ये लीफ है तो लीफ में तो हमारे पास कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, तो लीफ में ब्लॉक पॉइंटर का क्या रोल है। ठीक है, इंटरनल में या रूट में तो ठीक है, ये ब्लॉक पॉइंटर आगे अपने चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज ये लीफ है, तो लीफ के आगे तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, तो फिर उस केस में क्या होता है, ब्लॉक पॉइंटर तो होगा
बी ट्री में ब्लॉक पॉइंटर तो लीफ पे भी होगा, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर नल है, मतलब हमने उसके अंदर नल डाल के रख दिया क्योंकि अभी वो लीफ नोड है। अगर वो लेट्स सपोज बाद में उसका भी आगे कोई चिल्ड्रन बनेगा तो वो आगे उसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूट हो, इंटरनल नोड हो, लीफ नोड हो, बी ट्री में स्ट्रक्चर जो है वो हरेक नोड का सेम रहता है और ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, इसको हम ऑर्डर भी बोल देते हैं। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बी ट्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक नोड के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, या आप उसको इस वे में भी कह सकते हो कितने ब्लॉक पॉइंटर एक नोड में है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द बी ट्री। तो इससे आपको जो है ये सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बी प्लस ट्री के स्ट्रक्चर की, मतलब बी प्लस ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, हर एक नोड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो बी प्लस ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द बी, मतलब बी प्लस ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द बी ट्री। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हमारे पास जो डेटा है ना, ये जो डेटा है मतलब की और जो हमारे पास रिकॉर्ड पॉइंटर्स हैं वो सारी जगह प्रेजेंट है, वो रूट में भी प्रेजेंट है, वो इंटरनल में भी प्रेजेंट है, वो लीफ में भी प्रेजेंट है, मतलब आप जिस की को सर्च कर रहे हो उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंटर आपको कहीं पर भी मिल सकता है। मतलब अगर ये हमारे पास बी ट्री है इस तरीके से, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंपल सा अगर हम बनाएं, तो हमारे पास अगर हम कोई की को सर्च कर रहे हैं ना, तो की आपको यहां पे भी मिल सकती है, रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे मिल सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां, 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 कहीं पे भी मिल सकता है पूरे ट्री में, क्योंकि जो की और डेटा पॉइंटर है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे बी ट्री में। लेकिन बी प्लस ट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि बी प्लस ट्री में सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल नोड की, तो इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया, इंटरनल नोड में कौन आ गया, ये जो है इंटरनल नोड है, या फिर रूट, रूट और इस तरीके के जो लेवल्स हैं, दैट इज योर इंटरनल, मतलब नॉन लीफ की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल नोड या आप कह सकते हो नॉन लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन लीफ के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, ब्लॉक पॉइंटर्स, जो कि ऑब्वियसली नॉन लीफ है तो उसके आगे चिल्ड्रन होंगे ही होंगे जो पॉइंट कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन को, उसके साथ हमारे पास सिर्फ क्या है, की है, रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं है, सिर्फ की है, फिर ब्लॉक पॉइंटर जो चिल्ड्रन को, फिर की, फिर ब्लॉक पॉइंटर जो चिल्ड्रन को, फिर की। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर रहती है किसकी, इंटरनल नोड की इन द बी प्लस ट्री। तो हमने बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड में से क्या निकाल दिया, हमने रिकॉर्ड पॉइंटर्स जो थे वो सारे के सारे निकाल दिए। तो रिकॉर्ड पॉइंटर्स यहां से निकाल दिए, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि जगह जो है हमारे पास जो है स्पेस खाली हो गया, तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो चिल्ड्रन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कीज को हम पुट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक पॉइंटर्स को हम पुट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो बी प्लस ट्री है ना वो ब्रेथ वाइज ज्यादा है। ब्रेथ वाइज क्यों ज्यादा है, क्योंकि चिल्ड्रन ज्यादा होंगे तो वो ब्रेथ वाइज जाएगा, और अगर हम बात करें बी ट्री की, ये डेप्थ वाइज ज्यादा जाएगा क्योंकि इसमें हमने काफी कुछ भर दिया। तो अगर ज्यादा कुछ भरेंगे तो ऑब्वियसली ब्लॉक पॉइंटर्स के लिए हमारे पास लिमिटेड स्पेस बचेगा, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द बी प्लस ट्री। तो ये ब्रेथ वाइज ज्यादा बढ़ता है, ये डेप्थ वाइज ज्यादा जो है वो बढ़ेगा। तो डेप्थ वाइज ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमें जो है वो सर्चिंग, क्योंकि जो डेटा है वो सारी जगह पर, जो इंडेक्स रिकॉर्ड है वो सारी जगह पड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सर्चिंग है, जो दूसरा पॉइंट है कि सर्चिंग स्लो होगी या डिलीशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगी, ऑब्वियसली इस रीजन की वजह से। लेकिन यहां पे हमने इंटरनल नोड में सिर्फ क्या रखा है, ब्लॉक पॉइंटर की, ब्लॉक पॉइंटर की, ब्लॉक पॉइंटर एंड की। तो फिर क्वेश्चन क्या आता है कि रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाना है, मुझे डेटा सर्च करना है, तो डेटा सर्च करने के लिए रिकॉर्ड पॉइंटर तो चाहिए। तो रिकॉर्ड पॉइंटर्स कहां है, सारे के सारे बी प्लस ट्री में रिकॉर्ड पॉइंटर्स कहां होंगे, आपके लीफ नोड के अंदर मिलेंगे। तो यानी आपको जो लीफ नोड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तो लीफ नोड का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। तो दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल नोड एंड, मतलब नॉन लीफ एंड लीफ नोड का जो स्ट्रक्चर है बी प्लस ट्री में डिफरेंट है। तो यहां पर हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ नोड। तो स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ नोड में हमारे पास क्या है, की है, डेटा पॉइंटर, की है, डेटा पॉइंटर, की है, डेटा पॉइंटर, इस तरीके से। मतलब हमने ब्लॉक पॉइंटर्स यहां से हटा दिए, यहां पे हमारे पास लीफ में भी ब्लॉक पॉइंटर थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे नल को, लेकिन यहां पे अब लीफ में कोई भी ब्लॉक पॉइंटर नहीं है, सिर्फ की, डेटा पॉइंटर, की, डेटा पॉइंटर, की, डेटा पॉइंटर। और फाइनली में लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमारे पास एक ब्लॉक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट वाले चिल्ड्रन को, मतलब नेक्स्ट वाली जो लीफ है उसको जो है वो पॉइंट करेगा। ये एक्चुअल में यूज करते हैं हम
रेंज क्वेरीज के लिए हम यूज करते हैं। मतलब हमारे पास अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसकी बी प्लस ट्री की, तो अगर ये हमारे पास जो है वो रूट है, ये इंटरनल नोड होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो क्या है, लीफ नोड है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बी और बी प्लस ट्री दोनों ही क्या है, बैलेंस्ड है। मतलब सारे के सारे जो चिल्ड्रन होंगे, सारे के सारे जो लीफ होंगे, वो सारे के सारे लीफ एक ही लेवल पे होंगे। तो ये अगर हम बात करें किसकी, लीफ नोड की स्ट्रक्चर की, तो की है डेटा पॉइंटर, की डेटा पॉइंटर, की डेटा पॉइंटर, और यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर होगा लास्ट में जो इस वाले चिल्ड्रन को पॉइंट आउट करेगा, मतलब इस वाली लीफ को। ऐसी यहाँ पे लास्ट में ब्लॉक पॉइंटर होगा जो इसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर होगा जो इस वाले चिल्ड्रन को पॉइंट करेगा। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है किसकी, यहां पे मेरे पास जो बी प्लस ट्री का जो लीफ नोड है। तो इंटरनल नोड आपको क्लियर हो गया, और यहां पे अगर हम बात करें आपकी लीफ नोड की, तो लीफ नोड का स्ट्रक्चर भी यहां पे आपको क्लियर होगा। तो जब हम कीज डालते हैं ना, जब हम कीज को इंसर्ट करते हैं किसमें, बी प्लस ट्री में, तो इंसर्ट करते टाइम हमें यहां पे ध्यान देना पड़ेगा इस तरीके से कि जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो डेटा को इंसर्ट करते टाइम आपको बड़ा ही केयरफुली यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये की वैल्यू है, तो कीज के कोई भी की है, तो उस की से जो लेस वाली वैल्यूज होंगी वो तो कहां पड़ी होंगी, यहां पड़ी होंगी, और जो की से ग्रेटर वाली वैल्यूज है वो कहां पड़ी होंगी, राइट साइड में पड़ी होंगी। बी प्लस ट्री में भी ऐसे ही है और बी ट्री में भी ऐसे ही है, जो वैल्यूज है लेस वो यहां है, जो वैल्यूज ग्रेटर है वो यहां है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वह बी प्लस ट्री में तो हमारे पास जो है वो क्या है कि जो की वैल्यूज के साथ हमारे पास जो राइट साइड में हमें एज इट इज एक की कॉपी यहां पे भी रखनी पड़ेगी। मतलब लेट्स से अगर ये 10 है, तो 10 से कम, मतलब लेस देन जो 10 है, लेस देन 10 वाली जो कीज है वो सारी आपके लेफ्ट साइड में होंगी, और ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन जो वैल्यूज है, ग्रेटर देन 10, वो आपकी कहां होंगी, यहां पे होंगी। लेकिन ग्रेटर देन 10 के अलावा आपको क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू ऑल्सो, मतलब 10 भी होगा, 10 के अलावा जो ग्रेटर देन 10 है वो भी यहां होगी। उसका रीजन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम सर्च करेंगे, आपको सर्च करते टाइम यहां पे आप एज इट इज सर्च कर सकते हो, मतलब आपको सिर्फ लीफ नोड पे ही सर्च करना है, क्योंकि आपको पता है कि लीफ नोड में ही बी प्लस ट्री के लीफ नोड में ही सारी की डेटा पॉइंटर, की डेटा पॉइंटर, की डेटा पॉइंटर पड़ा है। तो आपको जब भी सर्च करनी है, तो ऑब्वियसली आपको तो डेटा पॉइंटर पे पहुंचना है, की के साथ जो डेटा पॉइंटर पड़ा है उस पे पहुंचना है। तो की के साथ डेटा पॉइंटर कहां पे पड़ा है, लीफ में पड़ा है, किस केस में, बी प्लस ट्री में। लेकिन बी ट्री में की और डेटा पॉइंटर पूरे ट्री में कहीं पे भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई द सर्चिंग इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां पे सर्चिंग इजी होगी। क्यों इजी होगी, क्योंकि सारी की सारी कीज आपकी कहां पड़ी होंगी, आपके जो लीफ लेवल पे पड़ी होंगी, क्योंकि जो भी हम कीज को रख रहे हैं उस की एक कॉपी को हम नेक्स्ट लेवल पे भी रखते हैं। मतलब बराबर जो है, जो अगर हमने 10 यहां पे रखा है तो 10 नेक्स्ट लेवल पे भी जाएगा, अगर इससे भी नेक्स्ट लेवल है तो 10 आपको नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। मतलब जो की है वो आपको लीफ लेवल तक लेके आनी है, ताकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डेटा पॉइंटर भी मिल जाए। सो दैट्स व्हाई सर्चिंग इज फास्टर इन केस ऑफ बी प्लस ट्री, विच इज नॉट इन केस ऑफ बी ट्री। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट, ऐसे अगर हम बात करें रिडंडेंट की, तो वही मैं जो पॉइंट अभी बताया, यहां पे हमारे पास रिडंडेंट की नहीं होगी। मतलब अगर लेट्स सपोज 10 है, तो 10 से कम यहां पे है, 10 से ज्यादा यहां पे है, मतलब 10 से कम वैल्यूज लेफ्ट साइड में, 10 से ज्यादा वैल्यूज राइट साइड में बी ट्री के केस में। लेकिन बी प्लस ट्री के केस में 10 से कम यहां पे, 10 यहां पे, और 10 से ज्यादा भी यहां पे, मतलब 10 आपको कॉपी करना है, जो की वैल्यू है वो आपको यहां पे कॉपी करनी है। तो रिडंडेंट कॉपी जो है वो ऑब्वियसली बनेगी इस केस में, बी प्लस ट्री के केस में। और फाइनली लिंक, जो लीफ लेवल्स हैं, यहां पे क्या है, लीफ नोड्स नॉट लिंक्ड, ऑब्वियसली कोई लिंक नहीं है, लेकिन यहां पे दे आर लिंक्ड टुगेदर लाइक अ लिंक लिस्ट। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, जो ये डायग्राम आपको यहां पे दिखाया था, कि जो भी हमारे पास लीफ लेवल होगा, लीफ लेवल के लास्ट में क्या है, जो हर एक नोड है उसमें ब्लॉक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, इसमें भी ब्लॉक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, इसमें भी ब्लॉक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो लिंक लिस्ट की तरह जो है ये काम करता है। तो आपकी जो सर्चिंग है, आप सिर्फ लीफ लेवल पे भी अगर सर्च करो तो आपको वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी, लेकिन बी ट्री में आपको कहीं पे भी मिल सकती है। तो पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, पूरे ट्री को सर्च, लेकिन बी प्लस ट्री में आपको सिर्फ लीफ लेवल पे सारी जो है वो वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है बी और बी प्लस ट्री में। तो उसी के बेसिस में आप जो है वो डिफरेंसेस जो है इनके बीच में लिख सकते हो कि बी और बी प्लस ट्री में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।